ये जो डैम है जो लोकली जिस जगह पे हमने डैम साइट को सिलेक्ट किया है पर्टिकुलर उस साइट पे दैट साइट पर्टिकुलर द मटीरियल इज अवेलेबल इन दैट साइट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम सो इस वजह से इसका इनिशियल जो कॉस्ट होता था वो मटीरियल्स के हिसाब से काफी हद तक कम होता था तो इस वजह से और लोकली uh, अवेलेबल हम मटीरियल्स का भी यूज कर लेते थे तो इजीली वो हमारा अवेलेबल भी हो जाता था तो इस वजह से ये बेसिकली दिस डैम इज यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स एंड बिकॉज़ लोकली अवेलेबल मटेरियल्स एंड लोकली मैन पावर लोकल मैन पावर वॉज ऑल्सो यूज एट दैट टाइम लोकल मैन पावर सो बेसिकली द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस डैम इज लो बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई फॉर दिस डैम मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर हाई and it basically requires sound rock foundation means the foundation should be hard enough to bear the weight of the or to bear the earthen dam to bear this dam the weight of this dam next next is gravity dam gravity dam nowadays specially gravity dam is used Why gravity use dam q hum use for its dam जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इस डैम के मे बी विंड फोर्स मे बी दिस हाइड्रोस्टेटिक माने ये जो वाटर है हमारा अपस्ट्रीम फेस है हम देख सकते हैं डायग्राम में अपस्ट्रीम फेस के डाउनस्ट्रीम फेस जहाँ से हम वॉटर छोड़ते फॉर यूज हम लोग इसको डाउनस्ट्रीम फेस कहते हैं मेरे अगले वीडियो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने डैम उसके कॉम्पोनेंट उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है उसी में मैंने मैंशन किया था कि ये जो हमारा डैम का फेज है ये अपस्ट्रीम फेस है जहाँ पे हमने रिवर का पुल बनाया है जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं राइट सो द वॉटर स्टोर पोर्शन इज नोन एज अप्रीम फेज तो ये जो अपस्ट्रीम फेज है इसमें एक हम देख सकते हैं वाटर एक ह्यूज अमाउंट वाटर का स्टोर होने की वजह से यहाँ एक हाइड्रोस्टेटिक वाटर चूंकि वाटर के वजह से प्रेशर है इसलिए वाटर यानी हाइड्रो तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक अप्लाई होता है डैम पे डैम के अपस्ट्रीम फेज पे ये अपस्ट्रीम फेज और यहाँ से अपलिफ्ट जो हम लोग का नीचे रॉक फाउंडेशन या फिर जो हार्ट फाउंडेशन है फाउंडेशन की वजह से भी एक अपलिफ्ट का फोर्स आता है सो so ये जो डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्स है ये डैम डैम uh, के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ये सब ये एक्सटर्नल फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय द सेल्फ वेट ऑफ इस डैम यही इस डैम की स्पेशलिटी है इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्रेविटी डैम ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड ये सेल्फ वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्रेविटी डैम

due to its weight-bearing capacity or due to its uh, uh, means the maintenance, less maintenance cost and high force or external force-bearing capacity. Next, next is arc dam. Now, what is arc dam? As we can say, the upstream phase as well as downstream phase, both are curved in nature, curved shape, curved shape. ये कर्व शेड होने की वजह से क्या है और हम देख सकते हैं ये कैंटीलिवर के जैसे एक्ट करे क्यू कैंटीलिवर फ्रॉम इट्स बेस इट इज फिक्स कैंटीलिवर एंड इन द दाइज ये जब अपवर्ड ये विंड के साइड में हम जब इस डैम का ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये कैंटीलिवर नीचे इसका बेस्ट के साथ ये यहाँ कंस्ट्रक्टेड है यहाँ कैंटीलिवर के जैसे और ऊपर क्या है ये फ्री सरफेस है ये कैंटीलिवर के टाइप राइट दिस कैंटीलिवर पोस्ट सो ड्यू टू दिस वेन द वॉटर ये वाटर फेज ये जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है जब ये अपस्ट्रीम uh, पे अप्लाई होता है डैम के सो so, डैम के अपस्ट्रीम में अप्लाई होने के वजह से ये क्या करता है ये जो इसका वाटर uh, का जो प्रेशर है ये क्या करेगा ये प्रेशर सेंटर से ये दोनों एंड पे ट्रांसफर कर देगा अब ये दोनों एंड पे ट्रांसफर करने की वजह से हमारा जो यहाँ का थिकनेस है वो थिकनेस हमारा कम प्रोवाइड हो जाता है कम हो जाता है इसके वजह से क्या है जो ग्रेविटी डैम में थ्रू आउट हमारा जो डैम का डैम का मीन्स मटेरियल है जो कॉन्स्टेंट रखा गया है थ्रू आउट द रिवर विथ वो हमारा क्या है इस आर्क डैम में थिकनेस uh, जो है वो रिड्यूज हो जाता है थिकनेस के रिड्यूज के कारण से हमारा क्या होगा जो स्ट्रेंथ बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा वो इजिली ट्रांसफर कर सकेगा लोड रो, हमारे दोनों एंड पे और हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा और चूंकि थिकनेस कम है तो हमें मटेरियल भी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा कंक्रीट भी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा तो इस वजह से क्या है हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगा नेक्स्ट इज बटरेस डैम व्हाट इज बटरेस डैम कभी कभी क्या हो जाता है जो ये ग्रेविटी डैम है ग्रेविटी डैम में ये टोटल थ्रू आउट हम क्या करते हैं ये रिवर का विड्थ है इसके थ्रू आउट रिवर ब्रिथ में हम ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट करते है तो इस जो यहाँ पे ग्रेविटी डैम का एक हमी है कि इसका जो थ्रू आउट कंक्रीट है वो कभी कभी अनस्ट्रेस्ड अनयूटिलाइज रह जाता है उस वजह से जिस जिस पोर्शन पे हमारा अनस्ट्रेट या फिर ग्रेविटी डैम जो अनयूटिलाइज है वहां हम क्या करते हैं सेक्शन को हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में यहाँ हम फॉलो कर देते हैं उस उस पोर्शन पे हम कंक्रीट को यूज नहीं करते हॉलो कर से, कर देते तो इस वजह से क्या है हमारा इनिशियल कॉस्ट अगेन इनिशियल कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो सकता है क्योंकि इनिशियल कॉस्ट एज एसो आवर कंक्रीट इज सेव्ड कंक्रीट का जो ह्यूज पोर्शन में हम ट्रांसफर uh, करके क्योंकि कंक्रीट को हम साइट पे लाके एक साइट uh, uh, पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फिर हम कंक्रीट को यहाँ पे हम प्लेस करते हैं उसका एक कॉस्ट है मटेरियल इक्विपमेंट्स का कॉस्ट है ये एक रिड्यूज हो जाता है कंक्रीट चूंकि हमारा लेस के वजह से कंक्रीट हमारा रिड्यूज हो जा रहा है तो इस वजह से बट्रेस डैम भी क्या है सो बाई कटिंग द कंक्रीट इट इज हियर वी प्रोवाइड हॉलो ग्रेविटी डैम हियर बिकॉज ग्रेविटी डैम में क्या था थ्रू आउट मैंने बोला यहाँ तो ये यह जो रिवर है रिवर के क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट विथ में हम ग्रेविटी uh, डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं बट ये हॉलो चैनल के वजह से होलो सेक्शन इस इस पोर्शन का जो कंक्रीट है ये रिड्यूस हो जा रहा है

And in my upcoming videos, I will provide questions and answers related to the types of them. Thank you.